जबरदस्ती मत किया करो सर सदन के अंदर इन लोगों के बात पे आकर। देखिए सर सुनिए सर, आप हमारा आप हमारा कष्ट नहीं आप सर, ये सरकार आप सरकार इस तरीके की क्यों हमारे को जीवन कर रही है? आप हमारा कष्ट नहीं पर चर्चा आज हो रही है, आप हमारा कष्ट नहीं इसलिए आपको मैं कहूंगा। आप सर बोलने दीजिए, आप बोलिए बोलिए सर। ये अंटार्कटिका जो बिल सर, अंटार्कटिका बिल इसका अहमियत हमारा मंत्री जी हमें समझा रहे थे सर। इसको अहमियत को मद्देनजर पहले ही जिस समय ये अंटार्कटिका बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था इस सदन में, उस समय हमारे पार्टी का मैं खुद खड़ा होकर ये बिल को और चूस दुरुस्त करने के लिए और इसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए हम भी कुछ सलाह दिए थे उस समय। अभी भी भाग लेने में हम काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन सर क्या करें, ये सरकार एक बीएसई मीटिंग बुला के हम सबको बुला के एक बार अगर चर्चा कर ले सब कुछ आराम से चल सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंबर है जो इनमें शिरकत करना चाहते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, दूसरे पार्टी का भी मेंबर है। ये अहमियत को मद्देनजर सबको इसमें शिरकत करना जरूरी है, लेकिन ये क्या करते हैं सर, अपने बलबूते पर किसी को परवाह नहीं करते हुए ये एक अहम बिल इसको पास करने जा रहे हैं। सर मैं इनको ये सलाह देना चाहते हैं कि एक बार ऑपोजिशन पार्टी के सारे फ्लोर लीडर को बुला के एक मिनट में समाधान हो जाएगा, क्योंकि सर आज जैसे अंटार्कटिका बिल पर चर्चा हो रहे हैं वैसे हिंदुस्तान की आर्थिक हालत में भी अंटार्कटिका जैसा हालत हो गए हैं। इसलिए कहते हैं अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।